वेलकम टू एकता वुड कार्विंग, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं भीम कुमार शर्मा एकता वुड कार्विंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप जरूर कुछ ना कुछ यदि नहीं सीख पाएँ तो आप जिन हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हीं हाथों से मेरे चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद हो सके तो फिर हम वीडियो भी बनाना ही छोड़ दें, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि आज का ये वीडियो जो है सो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद आप खुद से कहिएगा कि वाकई में ये वीडियो कैसा बना था। तो चलिए काम का फॉर्मेट में बात करते हैं। तो आज का ये जो डिज़ाइन है दोस्तों, एक 5x7 बंगला पलंग का ये हेड बनने वाला है, जिसमें आपने बहुत जगह बहुत से कार्विंग में देखा होगा कि मयूर का डिज़ाइन कॉमन लोग बहुत शुरू से पसंद करते आए हैं। लेकिन पहले बहुत से लोग ऐसे भी थे कि मयूर का जो सिर है उसका जो चोंच होता है वो पीछे साइड का होता है। मैंने भी कई एक वीडियो में आपको दिखाया है, लेकिन इसमें आप देखिए मेरा जो मयूर है उसका मुँह सामने तरफ का है, जो फूल के तरफ अपना सर झुकाए हुए है। तो जिस तरीके से ड्राइंग आप दिख रहे हैं उसी तरीके से इसको हम कटिंग करने का पूरा हेवी तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए काम को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब रोटर का काम इसमें हम पहले स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि बहुत से अननेसेसरी पार्ट हैं जिनको हटाना है। तो रोटर से बेस्ट ऑप्शन कोई दूसरा है भी नहीं। हाथ से करने जाएंगे तो एक डिज़ाइन के पीछे हमको 6 महीना लग जाएगा। तो रोटर से इसको हम क्लीन कर रहे हैं और क्लीन करने के बाद इस पर फाइनल जो काम होता है सो हाथ से टूल्स के जरिए और ग्राइंडिंग होता है उसको चिकनाई देने के लिए। तो अभी फ़िलहाल में रोटर का काम चल रहा है, देख सकते हैं। रोटर का यदि हम यूज जो है तो मेरा रोटर इंडिगो कंपनी का है और इसमें जो हम बीट यूज कर रहे हैं वो 9503 नंबर का रोटर बीट यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा जगह भी जो है उसको भी क्लीन करने के लिए 9502 बीट आता है, उसको भी हम ऐसो यूज करेंगे। तो फाइनली एक साइड का मेरा देख सकते हैं कि इसका अननेसेसरी पार्ट जो है सो उसको हमने खाली कर दिया है और अब चलिए उसका अपोजिट साइड में काम करते हैं। तो मैं थोड़ा धार ख़त्म हो जाने के वजह से इसमें छोटे छोटे कण उभर गए हैं, इसको हम पेपर मार के क्लीन कर लेंगे। चलिए अब इसका हम लेफ़्ट साइड का काम करते हैं। तो फाइनली सेम प्रोसीजर है। थोड़ा रोटर चलाते समय ये ध्यान देना होता है कि हम दाग के पर्पस में ही काम करें, थोड़ा दूसरे जगह दिमाग लगा के काम ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यदि थोड़ा सा छटक गया तो डिज़ाइन है सो गड़बड़ा जाता है। तो थोड़ा माइंड शार्प रख के उस समय रोटर का इस्तेमाल करें दोस्तों, बहुत ही नेट और क्लीन तरीके से काम करना अच्छा लगता है। इतना मेहनत करने के बाद अच्छा आप ड्राइंग बना लें और उसके बाद फिर अच्छा तरीके से कटिंग करने जाएं, लेकिन थोड़ा सा मतलब माइंड डिस्टर्ब हुआ और उसके बाद कुछ अनाप शनाप कट गया तो वहीं पर मामला ख़राब हो जाता है। तो आप लोग जब भी रोटर, ग्राइंडर, कटर ये सब का इस्तेमाल करें, फर्नीचर लाइन में जो भी भाई लोग काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा दिमाग ठंडा रख के और काम पर ही फोकस करके मशीनरी यूज करें। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो बीच का फूल है वो बहुत ही लाजवाब टाइप का नया लुक में फूल बना रहे हैं, चौका चौका पत्ता जिसको कहते हैं। और इसके दो साइड में बस दो दो ही पत्ते हमने दिए हैं फूल के अगल बगल में, और दोनों साइड से मयूर का डिज़ाइन है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फाइनली रफ रेखी मार रहे हैं, ये जो रेखी बटाली है वो 1/2 इंच का यूज करेंगे दोस्तों, और करने के बाद फिर उसको हम ग्राइंडिंग से सेव करेंगे। 3 पूंछ हमने बनाए हैं और पूंछ को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इसको हम पतला वाला जो रेखी होता है 2 सूता या फिर 1.5 सूता वाला उससे हम इसको फिनिशिंग देंगे। तो वो तो वीडियो के लास्ट में दिखेगा दोस्तों, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देख लीजिए। देखने के बाद इतना हम श्योर कह रहे हैं जो इस काम को सीखना चाहते हैं या फिर नए हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इंफॉर्मेटिव टाइप का बनने वाला है। मैं आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि लमसम मेरा रेखी का काम कम्प्लीट होने ही वाला है। मयूर का ये डायना जो है वो डायना पर अभी काम कर रहे हैं और करने के बाद अब इसको हम ग्राइंडिंग का काम करेंगे। लेकिन उससे बेहतर एक ऑप्शन ये भी होता है
ये जो बीच का फूल है ना दोस्तों गोल वाला, उसको दोनों साइड चारों तरफ से यदि उसको थोड़ा थोड़ा चाँप लिया जाए, मतलब छिल लिया जाए वो हाफ राउंड वाला जो बटाली होता है उससे, तो क्या होता है कि ग्राइंडिंग करने में काफ़ी आसानी होती है और ज़्यादा डीप हो जाता है तो देखने में भी बहुत अच्छा उभर के आता है, अच्छा लगता है देखने में। तो देख सकते हैं आप हम जिस तरीके से इसको कर रहे हैं। फाइनली हम स्टार्टिंग में पूरा फूल को फिनिशिंग करके दिखाएंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने डेमो देखा होगा, उसके बाद फिर मयूर का हम सेटिंग आपको दिखाएंगे। तो ग्राइंडिंग का जो मेरा ये पत्ता है जिससे हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं वो मात्र 3.5 इंच का गोलाई में कटा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और उसका जो कफ है देखिए, ये जो है सो हम पहले से ही काट के रखते हैं, वो जो लंबा फीट के हिसाब से बाटा पेपर मिलता है। मयूर का शेप जो है सो अपने हिसाब से देना है, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यदि इससे बेस्ट आइडिया हो तो आप बनाइए, वीडियो भी शूट कीजिए और अपने चैनल पर अपलोड कीजिए, हम देखेंगे, ज़रूर एक लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी हम लिखेंगे। उस समय देखने के बाद मेरा जो भी स्टेटस होगा वो हम ज़रूर आपको लिख के बताएंगे। तो फाइनली देख सकते हैं हम अपने हिसाब से इसको ग्राइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों, और ग्राइंडिंग करने के बाद इसको हम पूरा फिनिशिंग देंगे। एक साइड का कंप्लीट हो गया, दूसरा साइड में लग गए हैं, और लगने के बाद इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बस इतना दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और डैशिंग लुक के साथ में है। अब हम तो डैशिंग कह रहे हैं, जो देख रहे होंगे आप लोग कह रहे होंगे कि भाई आपके हिसाब से यदि डैशिंग ना हो तो मेरा तब बोलना कहना भी बेकार ही है, लेकिन उम्मीद हमें आपसे इतना लगाए हुए हैं कि हमको जब पसंद आया है, क्योंकि हम खुद से बनाए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ और यूट्यूबर लोग के तरह भी हम ही यही कहेंगे कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें दोस्तों। तो फाइनली ग्राइंडिंग का काम लमसम कम्प्लीट ही हो गया है, चलिए अब इसका फिनिशिंग लाइन पर आते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो फूल का जो चारों तरफ में है ना छोटा छोटा सा कलम का जो आपको दाग दिख रहा है, उस दाग के कोना को हम पहले हाफ राउंड बटाली जो 1.5 इंच साइज में आता है उससे दबाकर हम उसे एक अलग ही लुक दे देंगे। देने के बाद फिर उसका हम बाकी का काम करेंगे। तो जब एक औजार एक बार हाथ में यदि उठाए हैं तो लमसम अगल बगल में उसका जहाँ भी यूज है उसे आप अपने दिमाग से लगा कर उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उसी बटाली से हम अभी फूल का कोना बना रहे थे और उसी बटाली से अभी पत्ता का भी ये कोना हमने तैयार कर लिया। अब फाइनली देखिए, एक बड़ा सा हम हाफ राउंड का बटाली लिए हैं जिसको चांद मॉडल कहते हैं, उससे हम उसको ढाल रहे हैं बीच वाला को, और ढालने के बाद इसको पूरा एकदम गोल टाइप का मतलब शेप देने का कोशिश कर रहे हैं। करने के बाद चारों तरफ रेखी से इसको गोल घुमा के चाँप दिए ताकि और ज़्यादा वो उभर के आए। अब फाइनली दोस्तों रेखी का काम आता है, छोटा वाला पतला वाला जो रेखी आता है उसका। तो देखिए पत्ता में हम क्या करेंगे, दो लाइन ही देंगे। एक वीडियो में भी हमने आपको बताया था छोटे और पतले शेप में ज़्यादा लाइनिंग का काम अच्छा नहीं लगता है, 1 से 2 एनफ है, 3 या 4 लाइनिंग देना बहुत ही मतलब डिज़ाइन को रिबिश टाइप के कर देता है। लेकिन हर एक जगह नहीं, कई एक जगह ऐसा भी होता है दोस्तों जहां पर हम उसे लाइन का इस्तेमाल 2 से ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। तो फाइनली इसमें आप देख सकते हैं ये जो पत्ता है वो पत्ता का हम लास्ट कॉर्नर पे पतला वाला रेखी से एक उसी टाइप का शेप बना दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये करना बहुत ही आसान है, आप यदि एक फाइनल लकड़ी में बनाएं, यदि वहाँ करने में आपको टेंशन आ रहा हो तो आप एक रफ बना के भी इसको ट्यूटोरियल टाइप से मतलब इस वीडियो को समझ लीजिए और बनाकर आप उसको कोशिश कर सकते हैं बनाने का, और करने के बाद आप देख सकते हैं। हमको उम्मीद है कि एक बार देख के करने से आप भी इस चीज़ को बहुत आसानी से बना लीजिएगा। बीच का शेप का कुछ भी है, आप अपने हिसाब से कैसे भी सजा सकते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि टोटल 6 घूमे हुए पत्ते हमने उसमें बना दिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये जो बना रहे हैं वो भी पतला वाला रेखी से ही बना रहे हैं हम, और बनाने के बाद बीच वाला हिस्सा को हमने ढाल दिया, और ढाल कर उसमें हम थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस टाइप का हम उसमें दाग मार देंगे उसी रेखी बटाली से। तो उसमें क्या होगा कि एक उभरता हुआ अलग ही लुक आता है दोस्तों उसमें। बहुत ही सिंपल वर्क है, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद आप देखें कि आपसे हुआ है कि नहीं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, और यदि आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपना स्टेटस हमें ज़रूर दे सकते हैं।
तो फाइनली दोस्तों एक साइड का पत्ता और बीच का फूल कंप्लीट हो गया, वीडियो में देख सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे वाले पत्ते को भी कंप्लीट करते हैं दोस्तों, सेम प्रोसीजर है। दोनों तरफ मिलाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेन फ्रंट पे सबसे फोकस में ये फूल है, दो पत्ते सबसे पहले दिखते हैं, मयूर को लोग बाद में देखते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ का लाइनिंग का जो क्वांटिटी है, लेंथ है, डिस्टेंस है, गैप कितना है, चाहे कहाँ पे जाके एंड पॉइंट पे वो टच हुआ है, वो सब चीज़ थोड़ा बारीकी से करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। उसमें क्या होता है कि आपका काम तो सुधरेगा ही सुधरेगा, और उसके बाद एक काम जो ही करके आप छोड़ देंगे ना, तो ये जब तक रहेगा तब तक कोई भी लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ भाई कोई मिस्त्री बनाया था। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं एक ही टाइप का डिज़ाइन लाइनिंग देने का हमने कोशिश किया, और करने के बाद ये फूल का काम जो है सो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा पेपर से उसे रफ हम घस के उसको साफ़ कर देंगे, बाकी पॉलिश मैन तो अपना समझ लेगा। अब चलिए मयूर का बारी है। तो मयूर में दोस्तों सेम उसी तरीके से अपना आप शेप दे सकते हैं। हम आपको यहाँ डायरेक्ट पंख का शेप करके दिखाते हैं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है पंख का ही शेप देना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस पंख में मैंने एक मयूर पंख का इतना हल्का लॉजिक मैंने इसमें मतलब यूज किया है। पतला पतला लाइनिंग से एक पंख टाइप का इसको बस सजा दीजिए। सजाने के बाद दोस्तों डिज़ाइन कंप्लीट ही है, इसमें ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं करना है। और आप जितना ज़्यादा हेडक लेके इस काम को कीजिएगा उतना ही आपको परेशानी समझ में आएगी। और कार्विंग के लिए हम एक लाइन पहले ही बता दें, आपके अंदर धीरज होना चाहिए। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि मयूर का भी जो का कंटेंट था मैंने उसे क्लियर कर दिया है। पंख में मैंने तीन दाग मारे हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा हमको ज़्यादा मिला था। फाइनली दोस्तों डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो चुका है, और डिज़ाइन का जो व्यू है वो आपके सामने है। हमने किस तरीके का ये मॉडल तैयार किया है वो आप देख सकते हैं। मेरा बस इस वीडियो में ये चीज़ दिखाना था कि बीच में फ्लावर और दोनों साइड में जो ये मयूर है दौड़ते हुए आ रहे हैं, जिसका फेस सामने की ओर है। लास्ट मैंने एक वीडियो मयूर वाला डाला था जिसमें मयूर का जो सिर था वो पीछे साइड में घुमा हुआ था। तो आशा करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव टाइप का लगा हो, और आपको ज़रूर कुछ यदि सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।